सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। जनता पार्टी की सरकार है, दो वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर के शासन को भी देखा होगा, प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। मेरे पास यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। देश के अंदर गुर्जर समाज में इनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। और मुझे अचानक आज से 4-5 दिन पहले मेरे सामने फोन आता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मिलना चाहते हैं, तो मैं तो ये मानता था वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रदेश में 2-2 बार मंत्री रहे हैं। मैंने कहा भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं 1 घंटे के लिए हूं, मुझे फिर 12 कार्यक्रम में जाना है, अगर आ सकते तो कहा नहीं, हम अभी 15 मिनट में आ जाते हैं। हम लोग मेरे पास आए, चौधरी साहब ने कहा कि देखिए मैं प्रदेश में 6-6 बार विधायक रहा, मैं एमएलसी हूं, 2 बार मंत्री रहा। मैंने कहा भी क्या चाहते हैं, कहा कि मैं भाजपा में आना चाहता हूं। मैंने कहा भाजपा में क्यों, उन्होंने कहा मैं अब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि अब टिकट की कोई मांग नहीं होगी, टिकट घोषित भाजपा का हो चुका है, मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। तो मैंने कहा आखिर क्यों, उन्होंने कहा देखिए मैं सांसद रह चुका हूं, मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है, मेरा लड़का ब्लॉक प्रमुख है, हमें अब पद और प्रतिष्ठा नहीं, मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब इस उम्र में देश के लिए करना चाहता हूं और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी उनकी बातें लगी, मैंने उनके जवान पुत्र से पूछा, मैंने कहा भैया क्या है बताओ, उनके पुत्र ने कहा कि पिता की तो प्रेरणा है ही, लेकिन जब घर में जाते हैं तो परिवार की महिलाएं भी हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं अरे इन गुंडों के झंडों को लेके क्या चल रहे, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का झंडा हमारी गाड़ियों में लगा हुआ देखते हैं, परिवार की महिलाएं कहती हैं अरे किन गुंडों के झंडों को लेके चल रहे हो, आखिर कहां हम बहन बेटियों की इज्जत थी सुरक्षित तब। आज अगर मोदी और योगी के समय में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ये रावण और कंस की औलादें या तो जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा में निकल चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं इन्हें समर्थन करते हो। मुझे लगा कि वाह हमारा परिश्रम सफल हो रहा है अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। और सचमुच मैं उस नौजवान का अभिनंदन करता हूं जिस नौजवान ने बोलने की हिम्मत की कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस सपा और बसपा के लिए नामुमकिन था मित्रों आज वह मुमकिन हुआ है, क्योंकि